हेलो, अ वार्म वेलकम टू माय चैनल, माय यूट्यूब फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, होली आ रही है और होली पर कचौड़ी बनाना तो ज़रूर बनता है। तो चलिए आज हम बनाते हैं मूंग दाल की कचौड़ी, वो भी आटे वाली। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कचौड़ियाँ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हरी मूँग दाल का इस्तेमाल किया है। इसके लिए आप पीली वाली मूँग दाल या फिर उड़द दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने छिलके वाली हरी मूंग दाल को धोकर अच्छी तरह से 2-3 घंटों के लिए भिगो दिया था और फिर से इसको अच्छी तरह से धोकर रगड़कर साफ़ कर लिया है। तो फ्रेंड्स, जो आप मेथड आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल ही सिंपल और डिफरेंट मेथड है और ये रेसिपी मेरी मदर इन लॉ स्पेशल है, क्योंकि वो हमेशा ही कुछ ना कुछ नया ट्राई करती रहती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिए हैं कुछ खड़े मसाले। इसके लिए हमने लिया है 1 चम्मच ज़ीरा, 1 टुकड़ा दालचीनी, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 बड़ी इलायची, 4-5 काली मिर्च और 4-5 लौंग। और यहाँ पर हमने लिया है 1 छोटी हरी इलायची, थोड़ी सी सौंफ, 4-5 कलियाँ लहसुन और 1 टुकड़ा अदरक। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 1 चुटकी हींग भी ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हमने ले लिया है 1 कढ़ाई, इसमें ऐड किया है हमने 1 से 1.5 चम्मच तेल। तो फ्रेंड्स, तेल गरम हो चुका है, अब हम इन सारे खड़े मसालों को एक एक कर भूनेंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए सारे मसाले धीमी आंच पर अच्छी तरह भुन चुके हैं। अब हमने इसमें ऐड किया हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। तो फ्रेंड्स, इन सब मसालों को ऐड करने के बाद हम दाल को अच्छी तरह इसी तेल में भूनेंगे। तो यहाँ पर हम दाल को अच्छी तरह से लगातार चलाते रहेंगे धीमी आंच पर, ताकि इसका जो भी मॉइस्चर है वो सब रिड्यूस हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी दाल अच्छी तरह भुनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको गैस को बंद कर ठंडा होने देंगे। और जब तक हमारी ये दाल ठंडी हो रही है, तो चलिए हम आटा गूंथ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं मैदा ना यूज़ करके आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें हमने ऐड किया है थोड़ा सा नमक, अजवाइन। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम हींग का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमने ऐड किया है 1 चुटकी हींग और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल मोइन के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आटे में अच्छी तरह से तेल को मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हल्के गुनगुने पानी से हम आटा लगाएंगे। और फ्रेंड्स, हमें कचौड़ियों के लिए आटा थोड़ा टाइट ही रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है, नहीं तो बेलते वक्त हमारी कचौड़ियाँ फट सकती हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा आटा भी गूंध कर रेडी हो चुका है और हम इसको 10 से 15 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं, अब हमारी दाल भी अच्छी तरह ठंडी हो चुकी है, हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें दाल को एकदम बारीक नहीं पीसना है, एकदम दरदरा सा पीसना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें दाल चाहिए पिसी हुई, और हमारी सारी दाल पिसकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब कचौड़ी बनाना शुरू करते हैं।
तो फ्रेंड्स देखिए, हमने आटे को पूड़ी की शेप में बेल लिया है और एक चम्मच की सहायता से हमने थोड़ी थोड़ी स्टफिंग इसमें फिल की है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इस स्टफिंग को अच्छी तरह से अंदर फिल करते हुए इसको बंद करेंगे और हाथ की सहायता से इसको धीरे धीरे प्रेस करेंगे। और इसके बाद इसको हल्के हाथों से बेल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दाल की स्टफिंग को फिल करते हुए ही सारी कचौड़ियों को अच्छी तरह से बेल लिया है। तो चलिए आप कचौड़ियों को तलना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इन कचौड़ियों को लो मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से तलेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने कचौड़ी को दोनों तरफ से अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक तल लिया है। और ये देखिए, हमारी खस्ता मूंग दाल आटे की कचौड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इन खस्ता कचौड़ियों को सर्व किया है मसालेदार आलू की सब्जी के साथ। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इन कचौड़ियों को हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस होली पर आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और ऐसी ही डिलीशियस रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।